भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहते हैं। हर रोज रेल से बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। अक्सर जब हम टिकट बुक कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रेनों के नाम अलग अलग होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ट्रेनों का नाम ऐसे कैसे रखा जाता है, किस आधार पर ट्रेनों का नामकरण होता है? इसका ही जवाब हम आगे की वीडियो में देंगे कि किस आधार पर ट्रेनों के नाम रखे जाते हैं। राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बात की जाए तो राजधानी एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की प्रीमियम ट्रेन में आती है। पहली राजधानी 1 मार्च 1959 को हावड़ा टू न्यू दिल्ली के बीच में चली, जिसे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। अब बात यह निकल के आती है कि इसे राजधानी एक्सप्रेस ही क्यों कहा जाता है। बहुत लोगों ने तो गेस कर लिया ही होगा, राजधानी को शुरू करने का मकसद एक स्टेट से दूसरे स्टेट की राजधानी को जोड़ना था। इसका मकसद था कि देश की राजधानी दिल्ली से दूसरे स्टेट की राजधानी के बीच में तेज रफ्तार ट्रेन को चलाना, जिससे टाइम की बचत हो। ये ट्रेन प्रीमियम कैटेगरी में आती है और राजधानी ट्रेन के सारे कोचेस एयर कंडीशन होते हैं। इस ट्रेन के स्टॉपेज भी और ट्रेन के मुकाबले कम होते हैं। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की टॉप स्पीड करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेनों की आवाजाही की स्थिति में सबसे पहले राजधानी ट्रेन को निकाला जाता है। कभी आपने देखा होगा कि राजधानी को आगे निकालने के लिए ट्रेन को छोटे से स्टेशन पर रोक दिया जाता है। दूसरे नंबर पर शताब्दी ट्रेन आती है। पहली शताब्दी ट्रेन 10 जुलाई 1988 में दिल्ली से ग्वालियर के बीच में चलाई गई थी। इसको बाद में बढ़ाकर झांसी तक कर दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया है। इसे न्यू दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। शताब्दी ट्रेन का नाम शताब्दी इसलिए पड़ा क्योंकि इसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्मदिन पर शुरू किया गया था। इसकी स्पीड की बात करें तो ये बेहद तेज रफ्तार से चलती है। ये इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन थी, जिसकी स्पीड 107 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती थी। मगर अब भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब गतिमान एक्सप्रेस को मिल गया है। ये ट्रेन भी न्यू दिल्ली से झांसी के बीच चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस में स्लीपर कोच नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोचेज होते हैं। तीसरे नंबर पर आती है दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस को 2009 में लॉन्च किया गया था। दुरंतो का नाम बंगाली वर्ड निर्बाध यानी रेस्टलेस से पड़ा है। पहली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन सियालदह से नई दिल्ली के बीच चली थी। इस ट्रेन के स्टॉपेज नाम मात्र के लिए होते हैं, बीच में ये सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट्स के लिए रुकती है, जैसे ड्राइवर चेंज होना या फिर कोचेज में पानी भरने के लिए। दुरंतो एक्सप्रेस को राजधानी से भी तेज माना जाता है। इसकी रफ्तार भी लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। इस ट्रेन की संख्या राजधानी और शताब्दी से ज्यादा है। इस ट्रेन के सारे कोचेज LHB टाइप के होते हैं, जो कि दूसरे कोचेज के मुकाबले ऊंचे होते हैं।